Progress. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है? मुझे 5 मिनट ज़्यादा देर इसलिए होगी कि आई वॉज जस्ट लुकिंग एट द चैट और सारी डिस्कशन जो है उसमें वो देख रहा था। उसमें सिर्फ एक चीज़ पे मुझे थोड़ी सी मेरी रिजर्वेशन थी। एक कमेंट किया था अली खान ने, मैं रिपीट करना चाहता हूँ, और जो कह रहे हैं कि फिजिकल में सर बोर्ड पे पढ़ाएंगे, ऐसा नहीं है। सर क्लास में खड़े हो के भी अपने टैब से पढ़ाएंगे और आप प्रोजेक्टर पर देखेंगे। अच्छा, आई जस्ट वॉन्टेड टू आस्क अली, हाउ कैन यू बी सो श्योर अबाउट इट? मतलब मैं जानना चाह रहा हूँ कि आपके इस, क्योंकि आप क्लेम कर रहे हैं बाकायदा तौर पर, लाइक यू हैव सीन इट एक्चुअली हैपनिंग दिस वे, ये आप किस बेस के ऊपर इस तरह का कॉमेंट कह रहे हैं कि मैं टैब पे पढ़ाऊंगा और प्रोजेक्टर पे आप देखेंगे फिजिकल में? ऑन व्हाट बेसिस, ऑन व्हाट ग्राउंड्स? अच्छा, वो मेरी क्लास थी अली। देखिए, आपकी बात सी क्लियर, सो आई गेस, बट आपने जो कमेंट दिया उसमें आपने ये नहीं लिखा कि इन माय ओपिनियन या इन माय व्यू, या आप कह रहे हैं कि इट इज माय बेस्ट गेस या एस्टिमेट के सर वुड बी डूइंग लाइक दैट। आप तो बड़ा श्योर होके ऐसे कह रहे थे जैसे मैं कह रहा हूँ या मैंने आपको एक चीज़ बताई है इन पर्सन या आपने एक चीज़ देखी है, और आप इतनी ऑथेंटिसिटी के साथ वो चीज़ कह रहे थे। तो देखें, यही बात है और ये ठीक बात नहीं है एक्चुअली कि आप एक क्लेम इतना बड़ा, इतने आप श्योर होके कह दें जो कि इट इज़ नॉट बेस्ड ऑन एनी एविडेंस। तो अब मैं कह रहा हूँ कि ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। फिजिकल में मेरे पास ना टैब होगी, ना लैपटॉप होगा, हैंडआउट्स होंगे आपके पास भी, मेरे पास भी। आई वुड बी यूजिंग वाइट बोर्ड एंड आई वुड बी यूजिंग 4 कलर मार्कर, रेड, ब्लैक, ग्रीन एंड ब्लू। अब सारा कुछ जो होगा, ये जो चीज़ मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ तो वो बोर्ड के ऊपर चल रही होगी और हम फिजिकली इंटरेक्ट कर रहे होंगे। आपके हाथ में पेपर, पेन, पेंसिल, रजिस्टर्स होंगे और आप वहाँ पे सारी चीज़ें नोट कर रहे होंगे, हैंडआउट्स होंगे फिजिकली। आपकी मर्जी है, आप उसको सॉफ्ट फॉर्म में देखना चाह रहे हैं अपने पास हैंड हेल्ड डिवाइसेस में, लैपटॉप खोल के हार्ड, बट जो फिजिकल मॉडल है वो टोटली वाइट बोर्ड और मार्कर बेस्ड है, ठीक है। तो लाइक यू गाइज, आई हैव बीन टोल्ड कि फ्रॉम मंडे इंशाल्लाह ये जो क्लास है हमारी, ये शिफ्ट कर जाएगी फिजिकल पे, एंड फिजिकल मीन जस्ट फिजिकल एज आई हैव बीन टोल्ड। तो उसमें कोई हाइब्रिड नहीं होगा कि ऑनलाइन भी चल रहा है और फिजिकल भी होगा, क्योंकि हमने वो पास में एक दफ़ा एक्सपेरिमेंट किया था, बट दैट वाज नॉट वेरी कन्वीनियंट, दैट वाज नॉट वेरी कन्वीनियंट। जो लोग अटेंड कर रहे थे उनके लिए भी, जो फिजिकल बैठे हुए थे उनके लिए भी वो कन्वीनियंट नहीं था, ऑनलाइन वालों के लिए भी नहीं था, और समहाउ क्लास वाज नॉट वेरी स्मूथली ऑपरेटेड। तो फिजिकल पे जाएगा इंशाल्लाह और हम उसको फिजिकल पे ऑपरेट करेंगे। बाकी आप में से अगर कोई किसी की कोई रिजर्वेशन है कि वो ऑनलाइन, तो यू आर ऑलवेज वेलकम एंड फ्री टू टॉक टू मैनेजमेंट, टेल देम योर रिजर्वेशन, योर प्रॉब्लम्स, कन्वीनियंस। तो वो जाहिर है पैक भी एज एन ऑर्गेनाइजेशन जो डिसीजन लेगी वो ओवरऑल सारे ओपिनियन लेके चीज़ें लेके करेंगे, बट एज ऑफ टुडे डिसीजन इज कि क्लास जो है वो फिजिकल होगी। रही सब, अब आई एम नॉट श्योर कि ये टाइम टेबल के जो इशू, ऑब्वियसली मेरे टाइम टेबल के हिसाब से जो मुझे स्लॉट है हम उसी पे चलेंगे। आई बिलीव उसके बाद कुछ और क्लासेस होती होंगी। अब आपकी वो क्लास नहीं है तो आपके पास दो चॉइसेस होंगी। अगर आपको कैंपस में बैठना पड़ता है तो ये बेस्ट अपॉर्चुनिटी, लाइब्रेरी में बैठ के आप अपनी सारी चीज़ें, हाँ, आप लाइब्रेरी में बैठ के अपनी चीज़ें पढ़ें। आपने वो 5-6 घंटे जो घर पढ़ने, लाइब्रेरी में बैठ के पढ़ें। मेक यूज ऑफ एवरी स्पेयर टाइम, कोई भी मौका मिले आप उसमें जाए। जी इंशाल्लाह, तो ये बहुत फायदा होगा आपको। आप, ये तो आपके पास बहुत ज्यादा टाइम है बाहर, तो ट्रस्ट मी के स्टूडेंट जो हैं वो अगर
स्टेशन के ऊपर अपनी वो ट्राम का, ट्रेन का या अपना बस का वेट कर रहे हैं और उसके आने में 5 मिनट हैं, तो वो वहीं पे ही अपनी बैग में से अपनी बुक निकाल कर खड़े होके वो पढ़ रहे होते हैं। सो एवरी मिनट काउंट एक्चुअली। तो आपके लिए तो बेस्ट होगा खुद बहुत, आप बैठ के लाइब्रेरी में आराम से पढ़िएगा। एग्जैक्टली। सो हर चीज में कोई ना कोई फायदे की बात निकालनी है, स्टे पॉजिटिव, ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट मैसेज है। हर चीज में पॉजिटिविटी ढूंढिए। अच्छा इसमें चलो ये बेहतर हो जाएगा, इसमें ये बेहतर हो जाएगा, तो उसमें इंशाल्लाह बहुत बेहतर होगा। ऑलवेज स्टे पॉजिटिव। चलें जी, लेट्स कंटिन्यू। बाकी जो आपकी रिजर्वेशन आपकी बातें, वो मैंने कहा आप जरूर मैनेजमेंट से, एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट से, जो आपका फैसिलिटेशन डिपार्टमेंट है उनसे बात कीजिए। हमारी क्लास जो है इंशाल्लाह वो मंडे से फिजिकल होगी, और बाकी हम इसी तरह अभी जब तक मंडे नहीं आता हम ऐसे कंटिन्यू करेंगे। टेस्ट है आपका कल फ्राइडे को, ऑब्वियसली LMS के ऊपर होगा, तो अराउंड 12 नून आप वो अपलोड हो जाएगा ग्रुप में, आपको मैसेज के थ्रू पता चल जाएगा। और ये जो टेस्ट है ये इसकी ड्यूरेशन हो, इसके मार्क्स है 33 मार्क्स, और इसकी जो ड्यूरेशन है वो 1 आवर होगी, एंड यू विल बी गिवन 24 आवर्स। ठीक है, आपने उसके अंदर ये सबमिट करना है। ठीक है, सो 1 आवर लॉन्ग टेस्ट है, 33 मार्क्स, इट वुड बी अ मिक्स ऑफ सिनेरियो एंड नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन। वेरी गुड टेस्ट, बहुत अच्छा टेस्ट है, बड़े कॉन्सेप्ट आपके टेस्ट होंगे इसमें। और कल अगर अराउंड 12 भी अपलोड होता है तो आपने सैटरडे 12 नून तक इसको कंप्लीट करके LMS के ऊपर ही आपने अपलोड करना होगा। और मैंने पहले भी बताया हुआ कि हम जो भी टॉपिक पढ़ रहे हैं, सिर्फ स्टडी टेक्स्ट, नो अदर बुक प्लीज, नो अदर बुक। और है जो कुछ चीजें एडिशनल एड ऑन है वो मैं आपको खुद दे रहा होता हूँ इन फॉर्म ऑफ सप्लीमेंट्स, नोट्स, उसके अलावा कोई बुक नहीं पढ़नी। जो पढ़ना है स्पेशली नॉलेज बेस्ड अंडरस्टैंडिंग, वो आपने स्टडी टेक्स्ट बिल्कुल कैटेगोरिकली इसमें हमें क्लियर हो जाना चाहिए। ठीक है जी, कोई डिफिक कोई मसला नहीं है, जो मैंने बताया बस ऐसे ही पढ़ना, इसीलिए तुमने मॉर्निंग बना रहे हैं और इतना इतना टाइम लगा के चीजों को बनाए, अब तो डिफिकल्टी लेवल नहीं रहना चाहिए। अच्छा जी, कल हमने पढ़ा, जरा जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं जो कुछ हमने पढ़ा, और फिर वहां से आगे हम कंटिन्यू करते हैं। सो कल हमने देखा कि देयर आर 5 फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ प्रोफेशनल एथिक्स। ठीक है जी, और एज ए चार्टर्ड अकाउंटेंट स्पेशली फॉर दिस पेपर वर्किंग इन अ फर्म, इन अ CA फर्म, वी नीड टू कंप्लाई विद ऑल दीज 5 फंडामेंटल प्रिंसिपल्स। इंटेग्रिटी, मुझे बताएं इंटेग्रिटी रूल को एग्जाम में एक्सप्लेन करने के लिए आप क्या निमोनिक कल हमने याद किया था, हमने पढ़ा था, कोई रिकॉल होता है इंटेग्रिटी के लिए? रिवाइज कर रहे हैं हम, हमने जो कुछ कल पढ़ा था। शाफ्ट, बिल्कुल सही। तो इंटेग्रिटी के लिए हमने, और ये जो ए था इसके नीचे था, तो ये अब आपको बता दें हम ये कौन सा चैप्टर पढ़ रहे हैं, चैप्टर नंबर क्या है बुक में ये। चैप्टर 13। ठीक है जी, एथिक्स। और शार्प के अंदर एस स्ट्रेट फॉरवर्ड, एच ऑनेस्टी, ए मस्ट नॉट एसोसिएट विद मटेरियली फॉल्स इंफॉर्मेशन, और वो इंफॉर्मेशन जो है वो एफ फॉल्स होनी चाहिए, ऑब्स्क्योर्ड या ओमिट नहीं होनी चाहिए। और तीसरा जो हमने आर उसके अंदर पढ़ा था, दैट वाज वो रेकलेस नहीं होनी चाहिए, एफ फेयर डीलिंग। और टी, टी से क्या बनता था शार्प में, टी प्रूवेंट फेयर व्यू, टी से क्या बनता था, ट्रू एंड फेयर, ट्रूथफुलनेस, ट्रूथफुलनेस, यस। तो ये नाम, फिर हमने पढ़ा कि इंटेग्रिटी के साथ साथ हमें ऑब्जेक्टिविटी के साथ काम करना है। ऑब्जेक्टिविटी का क्या निमोनिक था जी, कि ये तीन चीजें अवॉइड करनी है,
सी से क्या बनता है, क्या अवॉइड करना है हमने, किस चीज में नहीं पढ़ना असाइनमेंट्स करते हुए, सी अवॉइड करना है, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट से बचना है. गुड. यू से क्या बनता था? वेरी गुड. सी कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट. यू हमें काम करते हुए किसी के भी अनड्यू इन्फ्लुएंस में नहीं आए. वेरी गुड. और बी से क्या बनता है? हाँ, वी शुड कीप ऑल आर बायसेस असाइड. ठीक है, हमें किसी बायसनेस में नहीं पड़ना. बिल्कुल सही. तो यूजुअली ये नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, 2 3 4 5, तो आप स्ट्रेट इनको लिख सकते हैं. अगर मैं आपको एक टिप, एक प्रो टिप देने लगा, एक प्रोफेशनल टिप देने लगा, अगर कभी आपको फर्स्ट कीजिए ज्यादा मार्क्स, या चले कोई भी नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन आए और आपको वो याद नहीं आ रहा कि एग्जैक्ट वर्ड्स क्या थे या मैं कैसे लिखूं, लेकिन आप वो कॉन्सेप्ट आ रहा है बट वो लिखना नहीं आ रहा, तो यू कैन ऑलवेज डिफाइन और एक्सप्लेन अ कॉन्सेप्ट बाय गिविंग एन एग्जांपल. यानी अगर आपको अनड्यू इन्फ्लुएंस एक्सप्लेन नहीं करना आ रहा, तो आप एग्जाम्पल दे सकते हैं कि फॉर एग्जाम्पल फादर ऑफ जो है एंगेजमेंट टीम मेंबर इज पुटिंग प्रेशर. आप हमेशा एक एग्जाम्पल दे के भी किसी चीज को क्लियर कर सकते हैं, जो कि एग्जाम्पल्स मैं साथ साथ दे रहा हूँ. तो आप एग्जाम्पल से भी कोशिश तो पहले करें कि सही लिखें, लेकिन एग्जाम के अंदर आप एग्जाम्पल के थ्रू भी लिख सकते हैं और एग्जामिनर उसका भी क्रेडिट देता है. अच्छा जी, नेक्स्ट था कि हमने अपनी हर एंगेजमेंट, हर असाइनमेंट को प्रोफेशनल कॉम्पिटेंट होंगे तभी करना है, और प्रोफेशनल कॉम्पिटेंट होने के बाद इवन दो वी आर कॉम्पिटेंट, बट हर असाइनमेंट को ड्यू केयर से भी करना है. तो पहले अगर मैं बात करूं प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस, इसका क्या निमोनिक था? प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस के अंदर हमें किन दो चीजों का ख्याल रखना है? हाँ, वेरी गुड. अटेन भी करनी है प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस, वेरी गुड, और फिर उसको हमने मेंटेन भी करना. और मेंटेन करने का इजीएस्ट सजेस्टेड वे क्या है? आप क्या अटेंड करें, कौन से प्रोग्राम्स अटेंड करें? कंटिन्यूइंग प्रोफेशनल डेवलपमेंट के प्रोग्राम जो हैं वो आप अटेंड कीजिए. ये तो हो गया प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस. ड्यू केयर से काम करना है. ड्यू केयर से काम करने का मतलब है यू नीड टू एक्ट डिलिजेंटली. यू नीड टू एक्ट डिलिजेंटली. और डिलिजेंटली या ड्यू केयर से काम करने के लिए हमने क्या निमोनिक बनाया था? स्ट्रिक्ट. बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट होना है, डबल टी था, स्ट्रिक्ट है ना. ज्यादा स्ट्रिक्ट होना, बिल्कुल. तो ये भी हमने उसके अंदर चीजें पढ़ी थी. टाइमलीनेस होना चाहिए, हमें टाइमली असाइनमेंट जो है जो करनी है. फिर उसके बाद हमने हर असाइनमेंट की रिक्वायरमेंट के मुताबिक एक्ट करना. आई था कि वी शुड मेक अवेयर अबाउट इनहेरेंट लिमिटेशन अबाउट दी असाइनमेंट. ऐसा ना ना वो क्लाइंट कुछ और समझता हो और आप कहें कि नहीं ये तो ऐसे है, ये तो लिमिटेशन होती है. वो कहेगा आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया, मैं तो समझता था आप सारे फ्रॉड बता देंगे. आप कहेंगे जी फ्रॉड नहीं आया था, क्योंकि तो आपने पहले तो उसको हमें पहले सारी चीज़ें बतानी. सुपरविजन होनी चाहिए, ट्रेनिंग होनी चाहिए उसके अंदर, थॉरली काम करना है, केयरफुली, तो सारी चीज़ें उसके अंदर कवर हो गई. अच्छा, कॉन्फिडेंशियलिटी के अंदर भी हमने एक निमोनिक बनाया था. कॉन्फिडेंशियलिटी का मतलब अब वो 7 पॉइंट्स तक जाता है कि ये भी कॉन्फिडेंशियलिटी. फेयर यूपीएस, गुड, बिल्कुल सही. ये भी हमने निमोनिक बनाया था, यूपीएस, बिल्कुल सही. अभी हम इसकी बात करेंगे. और लास्ट में था प्रोफेशनल बिहेवियर. इसके लिए हमने क्या प्रोफेशनल बिहेवियर के लिए क्या मैंने बनाया था? 2 पॉइंट्स थे इसके, सी और डी. सी स्टैंड फॉर के हमें कंप्लाई करना है. प्रोफेशनल बिहेवियर का मतलब ये है कि हमें सारे रूल, लॉ, रेगुलेशन से कंप्लाई करना है, और उसके बाद कोई ऐसा काम नहीं करना जिससे हमारा प्रोफेशन जो है वो डिसक्रेडिट हो. ठीक है, हमने कोई ऐसा काम, कोई ऐसी बात नहीं करनी जिससे लोग हमारे एक्ट की वजह से, हमें तो वो बुरा भला कहेंगे बट हमारी वजह से हमारे प्रोफेशन, आईकैप और फेलो प्रोफेशनल जो कि दूसरे चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, उनको बुरा भला कहें, तो जो भी हमें इसकी इजाजत नहीं होगी. ऑल राइट. अच्छा जी, अब कॉन्फिडेंशियलिटी तक हम पहुंचे थे.
अब जरा इसको हम कंप्लीट करते हैं। फिर यूपीएस के ऊपर हमने काफी जो है वो सेर हासिल गुफ्तगू की थी डिटेल के अंदर। अब जरा देखते हैं कि कॉन्फिडेंशियलिटी रूल में और भी कुछ इम्पोर्टेंट चीजें हैं। अच्छा जी, अब हम देखने लगे हैं कॉन्फिडेंशियलिटी रूल के लिए कि नेवरदलेस द फॉलोइंग आर सर्कमस्टांसेस वेयर चार्टर्ड अकाउंटेंट्स आर और माइट बी रिक्वायर्ड टू डिस्क्लोज कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन। तो कुछ सिचुएशन ऐसी हैं, अब हम पढ़ने लगे हैं, व्हाट आर द एक्सेप्शंस टू कॉन्फिडेंशियलिटी रूल, कि कुछ ऐसी सिचुएशन हैं जहां पे हमें कर देना चाहिए या लाजमी हमें कॉन्फिडेंशियलिटी रूल को ब्रेक करना है या ब्रीच करना है। बेसिकली अब अगर मैं इस डायग्राम में जाऊं तो हम जो पॉइंट पढ़ने लगे हैं वो ये पढ़ने लगे हैं कि व्हाट आर दी एक्सेप्शंस दिस कॉन्फिडेंशियलिटी रूल। व्हाट आर दी एक्सेप्शंस टू दी कॉन्फिडेंशियलिटी रूल। अच्छा जी, सो आइए देखते हैं कॉन्फिडेंशियलिटी रूल की एक्सेप्शंस। दो दफा ये प्रीवियस जो कुछ अब हम पढ़ने लगे हैं ये दो दफा प्रीवियसली टेस्ट हुआ है, तो हम वो जरा यहाँ पे अटेम्प्ट भी मार्क कर लेते हैं। 20 सितंबर क्वेश्चन नंबर 9A 3 मार्क्स एंड नॉलेज, और उससे पहले 2018 सितंबर क्वेश्चन नंबर 5B अगेन 3 मार्क्स एंड नॉलेज। प्रीवियसली दो दफा ये चीज जो है वो टेस्ट हो चुकी है। अच्छा, अब जरा इसका पहले हम एक निमोनिक भी बना लेते हैं। एक्सेप्शंस टू दिस कॉन्फिडेंशियलिटी रूल। LLP एब्रिविएशन है लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप। सो LLP, इसमें जो फर्स्ट L है इसके साथ मैं लिख देता हूँ LP, और जो पी है इसके साथ मैं लिखने लगा हूं QRLTE। अच्छा, एक तो LLP हो गया, फिर L के नीचे LP, ये तो सही है, बट P के नीचे मैंने ये जो निमोनिक बनाया है क्यू आर एल टी, इसके पीछे क्या फिलोसफी है? क्यू आर से मैंने क्विक रिस्पॉन्स। अच्छा, LTE आपके इल में होगा कि पहले कुछ सिग्नल्स होते थे ये जो डेटा नेटवर्क के होते हैं, 3G होता था ना, 3G। गुड, मोहिद्दीन सही पहुंच गए हैं, मोहित सही पहुंच गए हैं, 3G। फिर 3G के बाद आया 4G। 4G को बेसिकली LTE है, ये वो लॉन्ग टर्म एवोल्यूशन, उसको कहते हैं 4G सिग्नल। अब तो शायद 5G की बात हो रही है, बल्कि कुछ लोग तो कहते हैं सारा कोविड जो है ये वो 5G एंटेना टावर्स हैं उनकी वजह से कुछ हुआ है। नहीं आओ, इसलिए मैंने वो अवॉइड किया फिलहाल 5G, ठीक है, अभी उसका कुछ समझ नहीं आ रही। तो हमने जो निमोनिक रखा है वो 4G तक रखा है। सो LTE भी काफी फास्ट है 4G, सो क्विक रिस्पॉन्स LTE। अब देखते हैं ये LLP, फिर L के अंदर LP और P के नीचे QRLTE, इससे क्या बनता है? ये एक्सेप्शंस का निमोनिक है, ये आपका बेसिकली यहाँ पे फिट हो जाना चाहिए LLP
एल से हमने बना दिया एलपी और पी से बना दिया हमने क्विक रिस्पॉन्स एलटीपी। साथ साथ आपकी ये मेन एक मास्टर डायग्राम भी जो है बन रही है। अभी इस डायग्राम के मैंने राइट साइड पे इंटेंशनली बहुत सारी जगह छोड़ी भी है, अभी मैंने राइट साइड के ऊपर इसको कंटिन्यू करना है। ओके आइए देख, पहले मेन डायग्राम बना लेते हैं। निमोनिक जो है एल एल पी से देखते हैं क्या बनता है। पहला एल है डिस्क्लोजर इज रिक्वायर्ड बाय लॉ, फर्स्ट एल। दूसरा है डिस्क्लोजर इज परमिटेड बाय लॉ, ये भी एल है। और तीसरा है देयर इज ए प्रोफेशनल ड्यूटी और राइट टू डिस्क्लोज। तो ये एल एल पी जो दो एल है वो लॉ है, एक लॉ है रिक्वायर्ड बाय लॉ और एक है परमिटेड बाय लॉ। रिक्वायर्ड बाय लॉ एंड परमिटेड बाय लॉ। अच्छा जी, पहले जी डिस्क्लोजर इज रिक्वायर्ड बाय लॉ और इसके नीचे फॉर एग्जांपल फिर दो पॉइंट फर्दर हैं जो हमने एल और पी बनाए। मैं एग्जांपल पढ़ता हूँ यहाँ पे, प्रोडक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट्स और अदर प्रोबिन ऑफ एविडेंस इन द कोर्स ऑफ लीगल प्रोसीडिंग। सो एक एल ये हो गया, एक्सप्लेन करते हैं। एंड डिस्क्लोजर टू द अप्रोप्रिएट पब्लिक अथॉरिटीज ऑफ इंफ्रिंजमेंट ऑफ द लॉ डेट कम टू द लाइट। अच्छा, रिक्वायर्ड बाय लॉ का मतलब है थोड़ी सी इसमें बाइंडिंगनेस, यानी कि कई दफा लॉ रिक्वायर कर। मैं एग्जांपल देता हूँ, ये पहली एग्जांपल जो लीगल प्रोसीडिंग की। फर्स्ट कीजिए कि वो जो हमारा क्लाइंट है उसका किसी एक पार्टी के साथ कोर्ट में कोई डिस्प्यूट चल रहा है, कोई मसले मसाइल कोर्ट में चल रहे हैं। तो वन फाइन मॉर्निंग वो जो कोर्ट ऑफ लॉ है, चाहे वो हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है या कोई और कोर्ट है, वो हमारा जो क्लाइंट है जिसका डिस्प्यूट एक पार्टी के साथ चल रहा है, चूंकि हम उस क्लाइंट के ऑडिटर भी हैं, तो कोर्ट अपनी असिस्टेंस के लिए हमें नोटिस देती है कि एज एन ऑडिटर उस क्लाइंट का, कि आप कोर्ट में तशरीफ लाएं विटनेस बॉक्स में, हमें आपसे कुछ सवाल पूछने हैं, कुछ आपसे हमने, चूंकि आप इस कंपनी के ऑडिटर हैं, इसका एक केस चल रहा है, तो हमें आपसे कुछ चीज़ें रिक्वायर्ड। अब हम कोर्ट में चले जाते हैं, कोर्ट एक लीगल प्रोसीडिंग हो रही है, वहाँ जाके कोर्ट हमसे कोई सवाल पूछती है या वो कहती है कि बताएं ये पार्टी कह रही है इसने इतने की इन्वॉइस की थी तो आपने ऑडिट किया, आप बताएं वो इन्वॉइस कितने की थी, आप अपनी ऑडिट फाइल में उससे चीज़ें देख के हमें बताएं। तो अब सवाल ये है कि कोर्ट के अंदर क्या मैं ये प्ली ले सकता हूँ? नहीं जनाब, मैं आपको क्यों बताऊँ चीज़ें, ये तो कॉन्फिडेंशियलिटी है, मेरा क्लाइंट के साथ कॉन्फिडेंशियलिटी रूल है और ये तो अज्यूम्ड होता है, मैं तो क्लाइंट की कोई बातें नहीं बताऊँगा। याद रखना है कि ये जो लीगल प्रोसीडिंग्स हैं, कोर्ट के पास पूरे अख्तियार हैं कि वो आपसे कुछ भी पूछ सकती है और आप वहाँ पे ये प्ली नहीं ले सकते कि जनाब कॉन्फिडेंशियलिटी रूल है, आपको कोर्ट को वे करना पड़ेगा, तो वो ओवर रूल कर जाएगा, तो वहाँ पे यू मस्ट ब्रेक दिस कॉन्फिडेंशियलिटी रूल। इसी तरह डिस्क्लोजर टू अप्रोप्रिएट पब्लिक अथॉरिटीज भी हो सकती हैं। फॉर एग्जाम्पल, ये लीगल प्रोसीडिंग तो स्पेशली कोर्ट ऑफ लॉ है, पब्लिक अथॉरिटीज का मतलब है लाइक SCCP है, वो आपसे कोई चीज़ रिक्वायर करे और उसके पास अथॉरिटी भी हो आपसे कोई चीज़ पूछने की, लॉ है, SCCP है, FBR। लेकिन ना इसमें एक बड़ा थिन फाइन पॉइंट है, वो मैं ज़रूर बताता हूँ। ऐसे नहीं हो सकता कि कोई भी अथॉरिटी आपको नोटिस भेज देता है, वो FBR है, कि आप अपने क्लाइंट के बारे में हमें इंफॉर्मेशन दें। हमने सबसे पहले ये देखना होता है कि अंडर विच सेक्शन ऑफ दैट लॉ दे आर रिक्वायरिंग सम इंफॉर्मेशन फ्रॉम अस, क्योंकि आपको पता है कि आप इनकम टैक्स भी पढ़ते हैं, कंपनी लॉ भी पढ़ते हैं, उसके अंदर जो लॉ है उसने उस अथॉरिटी को पावर दी हुई है, तो अगर एक अथॉरिटी के पास पावर होगी तो वो आपसे चीज़ पूछ सकते हैं। तो अगर फर्ज कीजिए, मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ,
एग्जाम्पल से बात समझ में आ जाएगी कि वेस्ट में, वेस्ट की एग्जाम्पल पहले लें, वेस्ट में अगर हम घर में हो और दरवाजे पे नॉक हो और बाहर फर्ज कीजिए पुलिस है, कॉप्स हैं, और वो कहते हैं जी हमें आपके घर की जो है वो तलाशी लेनी है। मैं पाकिस्तान की भी बात नहीं कर रहा, मैं बाहर एक बहुत ज़्यादा हाईली जो जहाँ पे लॉ रूल्स रेगुलेशन की बहुत सुप्रीमेसी, अनफॉर्चुनेटली अभी हम उस लेवल पे नहीं है, तो वहाँ की बात कर रहा हूँ। तो क्या ख्याल है, वो पुलिस आई हम जैसे पागो डर जाएंगे और एक्साइट हो जाएंगे, हाँ जी क्या बाहर हम उनको फ़ौरन तलाशी लेने देंगे, या हम उनसे कुछ पूछेंगे कि आपके पास क्या, पूछेंगे उनसे वो तलाशी लेने आए हैं तो एक खास वर्ड होता है कि आपके पास वो है वारंट। बिल्कुल सही अलग, आपके पास वो वारंट है, सर्च वारंट, क्योंकि वो सर्च वारंट उनको कोर्ट से मिलता है, कोर्ट इजाजत देती है। अगर उनके पास सर्च वारंट नहीं है तो दे कैन नॉट एंटर इनटू आर हाउस विदाउट आर परमिशन, जस्ट बिकॉज दे आर कॉप, दे आर पुलिस और वो एक अथॉरिटी वाले हैं, हम उनको कोई भी उनके साथ कॉपरेशन करने के लिए पाबंद नहीं है। तो वो उनको लॉ एम्पावर करता है। तो अगर FBI मुझसे कोई चीज मांग रहा है, SECP कोई चीज मांग रहा है, मैं देखूंगा वो कौन से सेक्शन के तहत हमसे चीज मांग रहा है, फिर मैं वो सेक्शन पढ़ूंगा, उस सेक्शन में अगर उसको अथॉरिटी होगी हमसे चीज मांगेगी तो हम कंप्लाई करेंगे, अगर अथॉरिटी नहीं होगी तो हमने उनको अपने क्लाइंट की कोई इंफॉर्मेशन नहीं देनी। और ये जो लीगल प्रोसीडिंग है कोर्ट ऑफ लॉ, इनके पास अथॉरिटी होती है, उसके अलावा जो पब्लिक अथॉरिटीज है वो हमें देखना पड़ेगा अंडर व्हाट सेक्शन। मसलन कोई एनवायरमेंट वाला हमसे इंफॉर्मेशन मांगे, कोई लेबर लॉ वाला, वर्कर प्रॉफिट पार्टी, मुख्तलिफ लेबर लॉज हैं, टैक्स लॉ हैं कंपनी के ऊपर, तो वो हमसे इंफॉर्मेशन मांगने शुरू हो जाएं ताकि हम कंपनी को नोटिस भेजें, तो हम ऐसे जवाब नहीं देते उन्हें, हम कहते हैं आप किस सेक्शन के तहत हमसे इंफॉर्मेशन मांग रहे, फिर हम वो सेक्शन देखते हैं, अगर उस सेक्शन में उनके पास अथॉरिटी हो तो फिर हम उनको डिटेल जो है वो देते हैं। तो देखने के रिक्वायर्ड बाय लॉ, लॉ रिक्वायर कर रहा है तो हमें देना होगा। बी पॉइंटेड डिस्क्लोजर इज परमिटेड बाय लॉ, यानी लाजमी नहीं है बट लॉ ने परमिशन दी हुई है। और अब मैं आपको इसकी एग्जांपल देता हूँ, डिस्क्लोजर इज परमिटेड बाय लॉ। इसके लिए ना आप एग्जांपल ले सकते हैं डिस्क्लोजर इज परमिटेड बाय लॉ की, कि फॉर इंस्टेंस अगर हम रोड पे जा रहे हों और हमें रोड पे चलते चलते नज़र आए कि एक गटर है, मैन होल है, उसका ढक्कन जो है वो गायब है वहाँ से, तो बेशुमार दुनिया जो है वो साइड से होके गुजर के जा रही है, आप वहाँ रुक जाते हैं, आप सोचते हैं कि यार ये अंधेरा हो जाएगा तो कहीं कोई बंदा इसमें गिर ना जाए, जख्मी ना हो जाए, तो आप रेलिवेंट अथॉरिटी को फ़ोन करते हैं, उनको इन्फॉर्म करते हैं कि यहाँ पे प्रॉब्लम है तो आप ठीक कर दें। तो बहुत सारे लोग तो बगैर इतला दिए गुजर गए, उनके ऊपर तो कोई, लेकिन आपने एक पेन ली, आपने इनिशिएटिव लिया, तो इसी तरह हो सकता है हम एक क्लाइंट को ऑडिट कर रहे हो और वहां पे हमें कोई एक ऐसी चीज नजर आए जो हमें लगे कि पब्लिक इंटरेस्ट के खिलाफ हो रहा है यहाँ पे, यानी कि वो डायरेक्टली कोई लॉ नहीं है जो आप देखें ना, जिन लोगों ने चला नहीं दी कि गटर का ढक्कन नहीं है, हम उनको सजा तो नहीं देंगे कि तुमने क्यों नहीं बताया, या एक बंदा गुजर के गया और पीछे से कोई आया वो गिर गया चोट लग गई तो हम उसको तो नहीं कह सकते कि तुमने बताया नहीं तुम्हारा कसूर है, वो कहेगा भाई मेरी जिम्मेदारी तो नहीं थी, तो भाई लॉ में लिखा है। तो मैं अब हम ऐसी चीज़ों की बात कर रहा हूँ कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो लॉ में नहीं लिखी हुई बट वो अगेन पब्लिक इंटरेस्ट के खिलाफ है। तो अगर आप कोई ऐसी चीज़ क्लाइंट पे देखें जो कोई लॉ की वॉयलेशन तो नहीं है बट पब्लिक इंटरेस्ट के खिलाफ है, आपको लग रहा है, फॉर एग्जाम्पल एक ऐसी एग्जाम्पल दे रहा हूँ कि उनकी पैकेजिंग के ऊपर जो इंग्रेडिएंट्स की लिस्ट लिखी हुई है शायद वो उस तरह से नहीं है और वो किसी लॉ में भी कवर नहीं हो रही, मतलब वो कहते हैं कि प्योर जूस है, अब वो जूस प्योर नहीं है, वो कॉन्सेंट्रेट से बना रहे हैं, कॉन्सेंट्रेट जो है वो प्योर फ्रूट से एक्सट्रैक्ट है, बट प्योर जूस जो पैकेज से लग रहा है वो लग रहा है जैसे स्क्वीज करके फ्रेश जूस डब्बे में डाला गया, जबकि आपको पता है जो पैक जूस होता है वो फ्रेशली स्क्वीज तो नहीं होता, वो तो कॉन्सेंट्रेट से बनता है, हाँ वो कॉन्सेंट्रेट 100% फ्रूट जूसेस से बना हो सकता है। तो कई दफ़ा ना इस तरह की कंफ्यूजन होती है, तो अगर आपको लगे कि कोई ऐसी चीज़ पब्लिक इंटरेस्ट के खिलाफ है तो आप फिर अथॉरिटीज को फिर कम्युनिकेट कर सकते हैं, बट ख्याल से आपको केयरफुली, तो लॉ जहाँ रिक्वायर कर रहा है वहाँ तो ज़रूरी करना है, जहाँ परमिट कर रहा है लॉ वहाँ पे आप देख लें। उसमें कई दफ़ा क्लाइंट से भी हम ऑथोराइजेशन लेते हैं कि जी ये चीज़ है, कल को हमारे ऊपर ब्लेम ना आ जाए तो हमें ये कम्युनिकेट करना है, तो इसमें भी देखा था। तो वन इज़ रिक्वायर्ड बाय लॉ, जिसके अंदर दो चीज़ें हमने पढ़ी LNP, एंड वन इज़ परमिटेड बाय लॉ। तीसरा है
पीस है, देर इज अ प्रोफेशनल ड्यूटी और राइट टू डिस्क्लोज। अभी तक हम लॉ की बात कर रहे थे, लॉ मीन्स कोर्ट ऑफ लॉ, FBR, SECP, NAB, एनवायरमेंटल अथॉरिटी, जिनको लॉ की बैकिंग है। अब हम प्रोफेशनल ड्यूटी, अब प्रोफेशनल से आप समझ ले आई कैप। आई कैप हमसे कोई चीज मांगे या हमें आई कैप को कोई चीज दिखानी पड़े तो भी हम कॉन्फिडेंशियलिटी रूल ब्रेक कर सकते हैं। एग्जाम्पल है नीचे QRLTE। सो देर इज अ प्रोफेशनल ड्यूटी और राइट टू डिस्क्लोज, इसमें नंबर वन टू कंप्लाई विद क्यू से क्वालिटी रिव्यू ऑफ प्रोफेशनल बॉडी। आप में से शायद कुछ लोगों को मालूम हो, जिस तरह एक CA फर्म, नहीं आप एम्प्लॉयर ऑडिट फर्म की बात नहीं हो रही है, CA फर्म इटसेल्फ की बात हो रही है। अब एम्प्लॉयर को छोड़ दो, एम्प्लॉयर का CA फर्म की बात हो रही है। CA फर्म अपने क्लाइंट में ऑडिट कर रही है और क्लाइंट में उसे कुछ नजर आया तो CA फर्म कम्युनिकेट कर रही है। ठीक है जी, ये एम्प्लॉयर वो FAR 2 की वजह से बार बार आ रहा है ना, वो क्लाइंट एम्प्लॉयर आप कार्ड नहीं, यहाँ इसके लिए एप्लीकेबल नहीं है, ये FAR 2 के लिए एम्प्लॉयर। ठीक है, हम क्लाइंट की बात कर रहे हैं, सही हो गया। अच्छा जी, क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू, एक CA फर्म अपने क्लाइंट्स को ऑडिट करती है और ICAP जो है वो CA फर्म का क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू करता है। समझ लिया कि CA फर्म का ऑडिट होता है, तो जब ICAP CA फर्म में आके उस CA फर्म की ऑडिट फाइल का रिव्यू करता है, तो बेसिकली वो ऑडिट फर्म अपने क्लाइंट का कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन ICAP से शेयर कर रही है ना, तो ये ICAP का प्रोफेशनल राइट है और हमारी ड्यूटी है कि हम उनसे कम्युनिकेट कोऑपरेट करें। तो हम अपनी जो क्लाइंट की फाइल होती हैं वो ICAP के सामने रखते हैं और इसमें जाहिर है क्लाइंट की भी कम्युनिकेशन है, जो कॉन्सेंट है वो दी जाती है। तो ICAP के क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू प्रोग्राम के साथ हमें कोऑपरेट करना, इट इज आवर प्रोफेशनल ड्यूटी। दूसरा है टू रिस्पॉन्ड टू एन इंक्वायरी और इन्वेस्टिगेशन बाय अ प्रोफेशनल बॉडी और रेगुलेटरी बॉडी। ये प्रोफेशनल बॉडी, रेगुलेटरी बॉडी, मसलन इसकी भी एग्जांपल है प्रोफेशनल ड्यूटी। कई दफे ऐसे होते हैं कि हमारा एक क्लाइंट CA फर्म से की सर्विस से किसी वजह से खुश नहीं है, तो अक्सर कई क्लाइंट होते हैं वो ना ICAP में कंप्लेंट कर देते हैं, इसलिए ये देखें जनाब हमने आपकी एक मेंबर फर्म से हम ऑडिट करा रहे हैं, वो डिले कर रहे हैं, हमसे कोऑपरेट नहीं कर रहे, वो जो है हमें ऑडिट रिपोर्ट नहीं दे रहे। तो कई दफा ना ICAP में हमारा क्लाइंट जो होता है वो ICAP में कंप्लेन कर देता है। अब जाहिर है जब ICAP के पास कोई कंप्लेन जाती है तो ICAP ने सबसे पहले फैक्ट्स डिग आउट करने होते हैं कि बाकी बात सही है या नहीं है, तो फिर इन्वेस्टिगेशन भी हो जाती है। तो जब ICAP हमें कोई लेटर भेजेगा कि जी ये कंप्लेंट आई है तो आप बताएं आपके पास अपने डिफेंस में कुछ कहने के लिए है, तो नेचुरली फिर इट इज माई राइट टू डिफेंड माई सेल्फ और फिर मैं जाहिर है क्लाइंट के बारे में बातें ICAP को बताऊंगा, क्योंकि क्लाइंट ने ICAP को शिकायत लगाई है, तो फिर जो क्लाइंट की वो कॉन्फिडेंशियल बातें हैं जो कि मैं अदरवाइज कहीं डिस्क्लोज नहीं कर रहा था, नाउ इट इज माई राइट टू डिफेंड माई सेल्फ बिकॉज माई क्लाइंट हैज कंप्लेंट अगेंस्ट मी, आई हैव अ राइट टू डिफेंड माई सेल्फ। तो फिर मैं ICAP के साथ वो बातें शेयर कर सकता हूँ। नंबर थ्री है टू प्रोटेक्ट द प्रोफेशनल इंटरेस्ट ऑफ अ चार्टर्ड अकाउंटेंट इन लीगल प्रोसीडिंग। तो ये बिल्कुल उसी तरह का पॉइंट है कि हमारा वो जो क्लाइंट है उसने ICAP में शिकायत लगाने की बजाय वो कोर्ट में ले गया है, लीगल प्रोसीडिंग्स हमारे खिलाफ स्टार्ट करते हैं। तो जाहिर इट इज माई राइट टू डिफेंड माई सेल्फ, अगर मेरे ऊपर कोई लीगल प्रोसीडिंग इनिशिएट हो गई है कि भाई आप गलत काम कर रहे हैं, आप डिले कर रहे हैं, नुकसान पहुंचा रहे हैं, जाहिर है फिर मैं डिफेंड अपने आप को ऐसे ही करूंगा ना कि क्लाइंट की फाइल ही ले, देखें जनाब मैंने इस दिन काम स्टार्ट किया, ये काम कर लिया, ये मुझे एविडेंस नहीं दे रहे, वाउचर्स नहीं दे रहे, तो काम तो डिले होना ही है, इट इज माई राइट टू प्रोटेक्ट माई सेल्फ। और लास्ट है टू कंप्लाई विद टेक्निकल एंड प्रोफेशनल स्टैंडर्ड और उसके बाद इसी के अंदर इंक्लूडिंग एथिक्स की रिक्वायरमेंट भी, यानी कि ये दो पॉइंट्स है टू कंप्लाई विद टेक्निकल एंड प्रोफेशनल स्टैंडर्ड। कई दफा कोई ऐसा स्टैंडर्ड आ जाता है अकाउंटिंग का या ऑडिटिंग का सपोज के, जिसकी वजह से आपको क्लाइंट की कुछ इंफॉर्मेशन, मसलन एक एग्जांपल है कि हम पाकिस्तान में बैंक ऑडिट कर रहे हैं, तो स्टेट बैंक ने एक रिक्वायरमेंट बना दी कि जो बैंक के ऑडिटर होंगे वो बैंक के बारे में ये इंफॉर्मेशन हमें अलहदा से देंगे।
जाहिर है अब ये मेरी ड्यूटी है, मैंने उस बैंक की इंफॉर्मेशन, चाहे वो बैंक चाहे या ना चाहे, क्योंकि वो स्टैंडर्ड बन गया है, मुझे स्टेट बैंक को कम्युनिकेट करना ही करना है। अब ये टेक्निकल स्टैंडर्ड है, प्रोफेशनल स्टैंडर्ड है, या कई दफा एथिक्स की रिक्वायरमेंट भी होती है। अभी हम पढ़ने लगे हैं आगे ये थ्रेट्स टू इंडिपेंडेंस वगैरह का सिनेरियो हम करेंगे, तो उसमें एथिक्स की रिक्वायरमेंट है। कई दफा हमें क्लाइंट की बातें जो हैं वो क्लाइंट से बाहर जो है वो डिस्क्लोज करनी पड़ेंगी, कि अगर कोई वहाँ पे एथिकल इश्यूज अराइज हो रहे हैं तो हमें वो आउटसाइड टू दी एंटिटी डिस्क्लोज करनी पड़ेगी। तो ये वो 5 पॉइंट्स हैं विच कम्स अंडर प्रोफेशनल ड्यूटी और राइट टू डिस्क्लोज। अच्छा, इसके बाद एक और नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन है जो एक अटेम्प्ट में टेस्ट हुआ, वो भी मैं यहाँ पर मार्क कर देता हूँ। ये वाला पैराग्राफ जो अब हम पढ़ने लगे हैं, ये 20 मार्च, क्वेश्चन नंबर 9A, 3 मार्क्स और थोड़ा सा सिनेरियो बेस्ड है। अच्छा, मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी, बड़ा सब्जेक्टिव सा है, बड़ा लगता है कि डिफिकल्ट है समझना, हेयर स्प्लिटिंग है, बाहर की खाल है। मैं आपको थोड़ा बस जितना समझ में आए उतना समझ लीजिएगा, बहुत डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, बस ऊपर ऊपर से जितना मैं बताऊंगा आपको समझ आ जाएगी, वो काफी होगा। पहले जरा देखते हैं हम क्या पढ़ने लगे हैं। इन डिसाइडिंग वेदर टू डिस्क्लोज कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन, फैक्टर्स टू कंसिडर डिपेंडिंग ऑन द सर्कमस्टांसेस इंक्लूड, यानी हालांकि अभी हमने पढ़ लिया कि हमने कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन कब डिस्क्लोज करनी है, LLP है और उसके अंदर फर्दर पॉइंट्स है, बट इवन देन कई दफा वाकई समझ नहीं आती कि यार ये डिस्क्लोज करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए, क्या ये पब्लिक अथॉरिटी को बताना चाहिए, और स्पेशली उन सिचुएशन में जहां रिक्वायर्ड बाय लॉ नहीं है। जहां रिक्वायर्ड बाय लॉ नहीं है वहां पर ज्यादा डिफिकल्ट है कि यार ये मुझे डिस्क्लोज करनी, क्योंकि अगर आपने डिस्क्लोज कर दी और वो ना करने वाली हुई तो क्लाइंट सू कर देगा कि आपने कॉन्फिडेंशियलिटी रूल ब्रीच किया मेरा, मुझे नुकसान हो गया, मुझे डैमेजेस दें। तो और अगर मैं नहीं करता और कल को कोई मुझ पर अलहदा से एलिगेशन लग जाए कि ये तो डिस्क्लोज करना चाहिए था आपने नहीं किया, तो भी मेरे लिए मुश्किल है। तो ना हमें यहाँ पे कुछ फैक्टर्स दे दिए गए हैं कि वेन यू आर इन अ सिचुएशन के एंड यू कैन नॉट डिसाइड कि वेदर आई शुड डिस्क्लोज दिस इंफॉर्मेशन और नॉट, तो कुछ फैक्टर्स कंसिडर करने चाहिए। तो वो फैक्टर्स क्या हैं वो देख, इसका मैं पहले आपको निमोनिक भी हम बना लेते हैं। ये निमोनिक है जी, शौकत खानम कैंसर रिसर्च हॉस्पिटल, शौकत खानम कैंसर रिसर्च हॉस्पिटल। अच्छा, इसमें जो एस और के है इन दोनों के नीचे एक पॉइंट है, 3 पॉइंट है, IFC, IFC। अच्छा, अब बस जरा इसको सब्जेक्टिव है, आई ट्राई टू एक्सप्लेन। फर्स्ट पॉइंट है कि वेदर द इंटरेस्ट ऑफ एनी पार्टीज इंक्लूडिंग थर्ड पार्टीज हुज इंटरेस्ट माइट बी अफेक्टेड कुड बी हार्म से एज इफ द क्लाइंट और एम्प्लॉयर FIR 2 के पॉइंट से, तो इफ द क्लाइंट कंसेंट्स टू द डिस्क्लोजर। ओके, तो कई दफा आपको कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज करते हुए ये भी सोचना पड़ता है कि अगर मैं ये चीज डिस्क्लोज करता हूं तो कौन कौन सी पार्टियों को इस डिस्क्लोजर से नुकसान होगा, और अगर मैं नहीं करता तो किन किन को नुकसान होगा। तो आपको इवेल्युएट करना होता है कि हु इज गेटिंग द हिट ऑफ दिस डिस्क्लोजर और नॉट बाय और बाय नॉट डिस्क्लोजिंग। तो आपको ये भी डिसाइड करना है कि किसको ज्यादा नुकसान होगा, तो आपको ये भी देखना पड़ता है कि अच्छा इसको ज्यादा नुकसान होगा तो डिस्क्लोज करने का क्या फायदा, मतलब जिन लोगों के लिए आप ये डिस्क्लोजर दे रहे हैं अगर उनको तो ज्यादा फायदा नहीं हो रहा, लेकिन जिनकी चीजें आप डिस्क्लोज करें उनको नुकसान होगा, तो फिर शायद नहीं करना चाहिए।
क्योंकि आप जिसकी इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज कर रहे हैं जाहिर उसको तो नुकसान होगा, बट जिनको डिस्क्लोज की जा रही है उनको बहुत ज्यादा फायदा होगा। तो फिर यहाँ पे कोई भी हो सकता है, थर्ड पार्टी, वो एक बैंक भी हो सकता है जिसको आप डिस्क्लोज कर रहे हैं, वो जनरल पब्लिक भी हो सकती है। तो यहाँ थर्ड पार्टी मीन कुड बी एनीवन, ठीक है? तो हाँ, मतलब नुकसान किसको ज्यादा हो रहा है ये भी एक देखा जा सकता है। दूसरा, वेदर ऑल रेलेवेंट इंफॉर्मेशन इज नोन एंड सब्सटेंट, यानी आपने सिर्फ तुक्के की बेस पे, गैस वर्क की बेस के ऊपर डिस्क्लोज नहीं कर देना कि मुझे लगता है क्लाइंट पे ऐसे हो रहा है। नहीं, आपको हमेशा ये देखना है कि आपको पूरी बात पता है ना, इट इज नोन टू यू, और वो सब्सटेंशिएट का मतलब है कि आप प्रूव भी कर सकते हैं कि वाकई ऐसा हो रहा है, क्योंकि वो हियर से नहीं होना चाहिए, आधी बात नहीं होनी चाहिए। किसी ने क्लाइंट से आपको एक बात बता, सर जी यहाँ ये हो रहा है, आपने अच्छा, और आप जाकर डिस्क्लोज कर रहे हैं। नहीं, पहले उसको कंफर्म करें, सब्सटेंशिएट करें, फिर उसके बाद करें। तो यही कहा जा रहा है कि पहले कंफर्म कर लें कि आपको जो बात है वो सही पूरी पता है, और सब्सटेंशिएट का मतलब होता है कि वेरीफाइड है, पक्की बात है ना, पक्की खबर है, टू द एक्सटेंट प्रैक्टिकेबल, टू द एक्सटेंट प्रैक्टिकेबल। और ये एस और के इसी से है, सब्सटेंशिएटेड एंड नोन। इसके नीचे तीन चीजें हैं कि नोन और सब्सटेंशिएटेड के लिए भी ये फैक्टर्स आपको कंसिडर करने हैं। नंबर वन, फैक्टर्स अफेक्टिंग द डिसीजन। अगर तो अनसब्सटेंशिएटेड फैक्ट्स हैं तो ऑब्वियसली आप नहीं करेंगे, इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन है तो भी नहीं करना। और तीसरा है अनसब्सटेंशिएटेड कंक्लूजन, यानी अगर आप एक राय कायम करते हैं और वो सब्सटेंशिएट नहीं हो सकती तो भी आप नहीं करेंगे। तो जो फैक्ट, आपकी फैक्ट, इंफॉर्मेशन और कंक्लूजन, तीनों चीजें सही होनी चाहिए। अगर तीनों चीजें सही नहीं है तो इसका मतलब है आप डिस्क्लोज मत करें, पहले कंफर्म करें चीजों को, फिर आप डिस्क्लोज कीजिए। नेक्स्ट पॉइंट है प्रपोज टाइप ऑफ सी से कम्युनिकेशन एंड टू होम इट इज एड्रेस। मतलब कई दफा ये भी मैटर करती है। हाँ अब्दुल्ला, ये भी एस्पेक्ट इसमें कवर है, ये वाला एस्पेक्ट भी इसमें कवर है। अच्छा जी, जो अब जो मैं पॉइंट बता रहा हूँ, द प्रपोज टाइप ऑफ कम्युनिकेशन एंड टू होम इट इज एड्रेस। देखें, अब मैं आपको बताता हूँ, अब बल्कि आपसे पूछता हूँ, पॉइंट क्लियर हो जाएगा। अगर आपने डिस्क्लोजर देना है सपोज किसी बैंक के प्रेसिडेंट को, और एक डिस्क्लोजर देना है बैंक के मैनेजर को, आप कहाँ ज्यादा केयरफुल होंगे? आप कोई बात बताना चाह रहे हैं एक बैंक के मैनेजर को, और एक बात अपने क्लाइंट के बारे में, और एक बताना चाह रहे हैं बैंक के प्रेसिडेंट को, तो किसके लिए ज्यादा केयरफुल होंगे कि भाई चीज गलत ना हो जाए? ऑफकोर्स प्रेसिडेंट। तो यहाँ यही कहा जा रहा है कि टू होम इट इज एड्रेस, ये भी डिपेंड करता है कि उसको डिस्क्लोज करने के, आप किस अथॉरिटी को डिस्क्लोज करें, और टाइप ऑफ कम्युनिकेशन। अब इसमें देखें, जुबानी बताने में ज्यादा एहतियात की जरूरत है, या जब आप लिख के देंगे तो ज्यादा एहतियात करनी है? ओरल कम्युनिकेशन ज्यादा आपसे एहतियात मांगती है या रिटन कम्युनिकेशन? रिटन, बिल्कुल सही। सो टाइप ऑफ कम्युनिकेशन मतलब है कि इन राइटिंग है तो ज्यादा केयरफुल होना है, हाईएस्ट अथॉरिटी को हो रहा है तो भी केयरफुल होना जा रहा है। तो ये भी फैक्टर डिसाइड करता है कि आप जो कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन ब्रेक करने लगे हैं उसमें ये भी मैटर देखा जाता है कि किस तरह से कम्युनिकेट करना है और किसको कम्युनिकेट करना है, किसको एड्रेस करना है। और लास्ट पॉइंट है वेदर द पार्टीज टू हुम द कम्युनिकेशन एड्रेस आर अप्रोप्रिएट रेसिपिएंट, यानी ये भी ख्याल करना है कि आप जो इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज करने लगे हैं वो इररेलेवेंट बंदों के पास नहीं जानी चाहिए, वो जो अप्रोप्रिएट लोग हैं जिनको इस चीज की जरूरत है बस उनको ही बतानी है। आपने सीसी करके टू ऑल प्रेजिडेंट्स ऑफ बैंक नहीं करना जिसको उसकी जरूरत है, आपने रेसिपियंट भी आपका अप्रोप्रिएट होना चाहिए। एनी हाउ, ये मैंने इसलिए आपको ये पांच पॉइंट्स बताए हैं क्योंकि ये 5 साल में टेस्ट भी हुए हुए हैं कि जब भी आपको कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज करने का मामला आए तो वो कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिनका आपने ख्याल रखना है। तो ये वो पैराग्राफ है जो आपको उसमें हेल्प करेगा। ऑल राइट, तो ये कुछ थोड़ा सा इसमें थ्योरी का पार्ट था, 5 फंडामेंटल प्रिंसिपल जो हैं वो हमने कंप्लीट किए। अब हम, हाँ बस यही आएगा इसमें, इसके अंदर तो ये आएगा और इसमें कोई ऐसी दूसरी बात नहीं है इंशाल्लाह।
अच्छा जी, आए अब जरा इस डायग्राम को हम आगे थोड़ा कंटिन्यू करते हैं, आगे लेके चलते हैं। अब इंशाल्लाह हमने आज कोशिश करते हैं कि सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन भी हम स्टार्ट करें। अच्छा जी, अब मैं आपको एक बड़ी जबरदस्त बात बताने वाला हूँ। कल मैंने आपको क्या बताया था कि इन फंडामेंटल प्रिंसिपल्स को कंप्लाई करना हमारी जिम्मेदारी है, क्लाइंट को हमें रिमाइंड कराने के लिए जरूरत नहीं है ये। जी बिल्कुल अब्दुल्ला, क्लाइंट की इंफॉर्मेशन को आपने कॉन्फिडेंशियल रखना। अच्छा, तो ये अज्यूम्ड है ना, ये अज्यूम्ड है, ये क्लाइंट को रिमाइंड कराने की जरूरत नहीं है, ये लाजमी हमने खुद से ख्याल रखना है। और मैंने कल क्या बताया था कि अगर हमने इन फंडामेंटल प्रिंसिपल्स को कंप्लाई ना किया तो क्लाइंट क्या कर सकता है हम पे, क्या करेगा हम पे? सू कर सकता, बिल्कुल सही, एंड फाइल अ सू, वेरी राइट। जब वो सू करेगा तो फिर क्या होगा, हमें कोर्ट में, और अगर हमारे अगेंस्ट वो डिसीजन हो गया, कोर्ट ऑफ लॉ की बात कर रहा हूँ, वो सू आई कैब में भी कर सकता है, कोर्ट में भी कर सकता है। कोर्ट की एग्जाम्पल ले लेते, कोर्ट में सू हो गया, अगर हमारे अगेंस्ट डिसीजन हो गया तो फिर हमें फाइन डैमेजेस पे करने पड़ेंगे, फिर हमें फाइन या डैमेजेस पे करने पड़ेंगे। अच्छा, अब जब मेरे ऊपर सू होगा तो जाहिर है मैंने अपने आप को डिफेंड करना है। अब ये जो फाइव फंडामेंटल प्रिंसिपल्स हैं ना, इन प्रिंसिपल्स को डिफेंड करने के लिए मुझे कोर्ट में एक चीज प्रूफ करनी है, एक चीज प्रूफ करनी है। अच्छा, अगर मैं कोर्ट में वो एक चीज, हाँ, अगर मैं कोर्ट में वो एक चीज प्रूफ कर दूं, I will be relieved from all the allegations. चले मैं अभी सबके लिए कह रहा हूँ, वैसे मैं टेक्निकली आपको बताता हूँ। चले पहले जरा मैं टेक्निकली पहले जरा बता दूँ, अगर मुझ पर इल्ज़ाम लगे आप प्रोफेशनली कॉम्पिटेंट ही नहीं थे, आपने मेरा ऑडिट क्यों पकड़ा, मेरा ऑडिट खराब कर दिया आपने, आप कॉम्पिटेंट ही नहीं थे, मेरे ऊपर ये इल्ज़ाम लगा, मैं कैसे साबित करूँगा मैं कॉम्पिटेंट? मैं कहूँ देखो ये मेरा चार्टर्ड अकाउंट का सर्टिफिकेट है, बैंक ऑडिट था, ये मैं प्रीवियस पिछले 10 सालों से बैंक ऑडिट कर रहा हूँ और ये मेरी उसमें कॉम्पिटेंस है, कोर्ट मुझे क्लियर कर दे, तो मैं अपनी क्वालिफिकेशन को, कॉम्पिटेंस को प्रूव कर सकता हूँ आसानी से, थ्रू माय सर्टिफिकेट्स, थ्रू माय वर्क एक्सपीरियंस, आसानी से हो जाएगा। वो कहेगा जी आपने ड्यू केयर से काम नहीं किया, उसने इल्ज़ाम लगाया आपने ड्यू केयर से काम नहीं किया, मैं कहूँगा क्यों नहीं किया, ये मेरी फाइल है, देखें मैंने प्रॉपर प्लानिंग की फाइल बनाई है, कंट्रोल टेस्ट किए, सब्सटेंटिव प्रोसीजर किए, रिव्यू हुआ पूरी फाइल का, सुपरविजन होती रही साथ साथ, टाइम शीट्स बनती रही, टाइम भी हमने किया, तो मैं ड्यू, अब यानी मैं अज्यूम ये कर रहा हूँ कि हमने काम सही किया, हम कॉम्पिटेंट थे, क्लाइंट ने इल्ज़ाम लगा दिया, हम अपनी कॉम्पिटेंस प्रूव कर सकते हैं, क्लाइंट ने इल्ज़ाम लगा दिया ड्यू केयर से काम नहीं किया, अगर हमने ड्यू केयर से काम किया तो मैं आराम से थ्रू माय फाइल्स कोर्ट के सामने रख के प्रूव कर सकता हूँ, अगर नहीं किया फिर तो जाहिर है नहीं किया। मैं तो वो सिचुएशन की बात कर रहा हूँ जहाँ पे हमने काम सही किया बट क्लाइंट इल्ज़ाम लगा रहा है, सो कॉम्पिटेंस भी प्रूव करना आसान है और ड्यू केयर भी प्रूफ करना आसान। मेरे ऊपर एलिगेशन लगा कॉन्फिडेंशियलिटी ब्रीच की है, अगर मैंने कॉन्फिडेंशियलिटी रूल ब्रीच नहीं की या वहां ब्रीच की है जहां पे ब्रीच करनी बनती थी तो भी मैं कोर्ट में आराम से प्रूफ कर दूंगा। मैं कहूंगा कहाँ ब्रीच किया मुझे बताएं, मैंने कौन सा स्टेटस अपलोड किया है, मैंने कहाँ पे जो है वो जनाब मैंने कोई ट्वीट किया आपके बारे में, आपकी इंफॉर्मेशन के बारे में, अगर नहीं किया तो जाहिर नहीं किया, प्रूफ हो जाएगा, तो कॉन्फिडेंशियलिटी रूल को भी डिफेंड किया जा सकता है। वो कह रहा है जी आपने मुझसे प्रोफेशनली बिहेव नहीं किया, मुझे गाली दी, मैं कहा मैंने गाली दी है, वो कह थप्पड़ मारा, कहाँ थप्पड़ मारा, प्रूफ बताएं, कोई एविडेंस है कोई आपके पास, तो नहीं किया होगा तो वो प्रूफ नहीं होगा। सो प्रोफेशनल कॉन्फिडेंस, ड्यू केयर, कॉन्फिडेंशियलिटी, प्रोफेशनल बिहेवियर, ये प्रूफ करना अपनी इनोसेंस आसान है। लेकिन अगर मुझ पर एलिगेशन लगे ना इंटेग्रिटी और ऑब्जेक्टिविटी का, अगर मुझ पे एलिगेशन लगे इंटेग्रिटी एंड ऑब्जेक्टिविटी, इसको प्रूफ करना बहुत मुश्किल है।
आपने इंटेग्रिटी से काम नहीं किया। इंटेग्रिटी का मतलब वही शाफ्ट है, आप स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं थे, आप ऑनेस्ट नहीं थे, क्योंकि इन चीजों को डिफेंड करना, वो आपने ऑब्जेक्टिविटी से काम नहीं किया। आपके तो यहाँ पे जनाब वो रिलेटिव हैं, तो आपने तो काम सही नहीं किया। अब इल्जाम लग गया, मैं कैसे प्रूव करूं, क्योंकि इसका ताल्लुक कुछ माइंड से भी है। तो ये जो दो रूल्स हैं ना टेक्निकली, इंटेग्रिटी ऑब्जेक्टिविटी, ये बड़े मुश्किल हैं प्रूव करने के लिए। इनको डायरेक्टली प्रूफ कोर्ट में नहीं किया जा सकता, स्पेशली इन दो रूल्स के प्रूफ करने की बात हो रही है। लेकिन हम जनरली कह देते हैं, मैंने बड़ा टेक्निकल होकर बता रहा हूँ, सिर्फ इंटेग्रिटी और ऑब्जेक्टिविटी रूल के लिए हमें, अब जो मैं अगली बात करने लगा हूँ उसके प्रूफ की जरूरत पड़ेगी। बट जनरली कह दिया जाता है कि इन जो फंडामेंटल प्रिंसिपल्स हैं इनको प्रूफ करने के लिए एक हम टर्म यूज करते हैं कि, और टेक्निकली मैंने बताया वो बेसिकली ये दो हैं, इंटेग्रिटी एंड ऑब्जेक्टिविटी। बट जनरल बात करने में हम सबके लिए कह देते हैं कि सारे फंडामेंटल प्रिंसिपल्स के लिए, कि दीज फंडामेंटल प्रिंसिपल्स आर, इन फंडामेंटल प्रिंसिपल्स को प्रूफ करने के लिए मुझे कोर्ट में प्रूफ करनी पड़ेगी अपनी इंडिपेंडेंस। आई नीड टू प्रूफ इन द कोर्ट दैट आई एम एन इंडिपेंडेंट पर्सन। और ये जो इंडिपेंडेंस है ये दो तरह की होती है, इंडिपेंडेंस ऑफ माइंड एंड इंडिपेंडेंस इन पेरेंट्स। कहते हैं जी के ऑडिटर शुड बी एन इंडिपेंडेंट पर्सन, ऑडिटर मस्ट बी एन इंडिपेंडेंट पर्सन एंड मस्ट ऑल्सो बी सीन एज एन इंडिपेंडेंट पर्सन। ऑडिटर को इंडिपेंडेंट होना भी चाहिए और दिखना भी चाहिए। क्यों? क्योंकि हमने इंटेग्रिटी और ऑब्जेक्टिविटी को प्रूफ करना होता है। तो उन दो को प्रूफ करने के लिए, और जनरली स्पीकिंग सबको प्रूफ करने के लिए, मुझे कोर्ट में ये प्रूफ करना है कि आई एम एन इंडिपेंडेंट पर्सन। और इंडिपेंडेंस दो लेवल की, माइंड में एंड अपेयरेंस। मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ दोनों। माइंड का मतलब इंडिपेंडेंस का वो ही, अपने बायसेस, अपनी अनड्यू इन्फ्लुएंस, अपने कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट सबको साइड पर रख के ऑडिट करें, बिल्कुल इंडिपेंडेंट हो गए। ना आपका क्लाइंट से कोई ताल्लुक हो, ना आपका डायरेक्टर से कोई ताल्लुक हो, ना आपका शेयर होल्डर से कोई ताल्लुक हो, ना आपने वहां पे कोई सेल्फ इंटरेस्ट में भी आ रही है वो चीजें, आप बिल्कुल इंडिपेंडेंट हो के आपका कंपनी के प्रॉफिट या लॉस से कोई ताल्लुक नहीं हो और आप बिल्कुल आराम से सही तरह से ऑडिट करें। अच्छा, अब एक इससे बड़ी सिचुएशन क्या है? फर्म का पार्टनर 5 बजे फर्म से ऑफ होते हैं और वो अपनी गाड़ी में रॉयल पाम जाते हैं। ये कोविड के अलावा टाइम पीरियड की बात हो रही है। वो वहाँ पे कहते हैं उनकी गाड़ी ड्रॉप करके चली जाती है, और ठीक उसी वक्त उनका एक क्लाइंट है, उसका सीईओ भी वहाँ रॉयल पाम में गॉल्फ खेलने आता है। वो दोनों वहाँ पे रोज, ये डेली रूटीन है गॉल्फ, 5:30 बजे वहाँ मिलते हैं, गले चले मिलते हैं, क्या हाल है, ठीक है। फिर वो 9 होल का जो है वो राउंड खेलते हैं गॉल्फ का, बीच में गप्पे भी लगा रहे हैं, जोक्स भी शेयर हो रहे हैं, वो जनाब हाथ पे हाथ भी मार रहे हैं, कंधे पे भी हाथ रखा हुआ है। फिर उसके बाद कोई 7 बजे तक वो 9 होल्स की गेम खेल के फ्री हो जाते हैं, फिर बैठते हैं, हल्के फुल्के स्नैक्स खाते हैं। स्नैक्स में मेजोरिटी टाइम ज़्यादातर जो उसका बिल है वो जो कंपनी का सीईओ है वो देता है। उसके बाद वो सीईओ की गाड़ी आ जाती है, और हमारा घर जो है वो सीईओ के घर के पास ही है या रास्ते में है, तो रोज हम उसी की गाड़ी में बैठ के सीईओ जो है वो हमें घर ड्रॉप करता है। और साल में कोई एक दो वेकेशंस भी इकट्ठे, ये फर्म का पार्टनर और वो जो कंपनी का सीईओ है वो वेकेशंस भी इकट्ठे प्लान करते हैं फैमिली के साथ, और कहीं इकट्ठे हफ्ते 1.5 हफ्ते के लिए वेकेशंस पे भी जाते हैं। अब जो हमारी फर्म का पार्टनर है वो थोरो प्रोफेशनल है, और व्हेन इट कम्स टू ऑडिट वो बहुत अच्छा ऑडिट करता है, और उसकी कॉम्पिटेंस पे कोई शक नहीं है। और ऐसा भी नहीं है कि वो कोई क्लाइंट को फेवर देता हो, कि उसके सीईओ के साथ उसकी दोस्ती है, जान पहचान है, फेवर देते हैं। दोनों बड़े प्रोफेशनल हैं, ना वो एक्सपेक्ट करते हैं हमसे फेवर, ना हम कोई फेवर देते हैं। यानी हमारी फर्म का पार्टनर माइंड में इंडिपेंडेंट है, लेकिन कंपनी के कुछ शेयर होल्डर्स ने पार्टनर के ऊपर इल्जाम लगा दिया, एंगेजमेंट पार्टनर के, ये इंडिपेंडेंट पर्सन नहीं है, और वो कोर्ट में चला गया। और पार्टनर ने कहा जी आप मेरे काम को जिससे मर्जी चेक करा लें, किसी भी ऑडिटर से ऑडिट करा लें, अगर उसकी ऑडिट रिपोर्ट मेरी ऑडिट रिपोर्ट से डिफरेंट हुई तो जो चोर की सजा वो मेरी सजा, कुरान पे हाथ रखा लें,
मैंने कभी इसको फेवर दी हो, मैं तो बड़ा स्ट्रिक्ट ऑडिट करता हूँ, किसी से चेक करा लो। कोर्ट कहेगी मुझे किसी से चेक कराने की जरूरत नहीं है, मुझे कोई आपसे ओथ नहीं लेना। मसला ये है, ये शेयर होल्डर्स दे हैव बीन कंटिन्यूसली वॉचिंग यू एंड ऑब्जर्विंग। आप रोज 5:30 को गेट पे रॉयल पाम में मिलते हैं, उधर भी शेयर होल्डर्स फिर रहे होते हैं, वो आपको रोज देखते हैं, गले मिलते हैं, जप्पी डालते हैं, जोक शेयर करते हैं, गॉल्फ खेलते हैं 9 होल्स, वो भी आपको वहां पे भी लोग वॉच कर रहे हैं, फिर स्नैक्स खाते हैं वहां पे भी आपको शेयर होल्डर्स वॉच कर रहे हैं, बिल वो देता है ये भी वॉच कर रहे हैं, फिर आप इकट्ठे गाड़ी में बैठ के उसके साथ आगे बैठ के लाउड म्यूजिक लगा के और सर धुंधे हुए जनाब जाते हैं, और जनाब वो भी कैनाल पे भी नहर पे आपको शेयर होल्डर देते हैं। इसका जवाब दें कि आपकी अपेरेंस ही इंडिपेंडेंस वाली नहीं है, ठीक है, आपकी क्योंकि नजर आ रहा है आप उसके साथ जो हैं एक हद से ज्यादा जो हैं वो आपकी दोस्ती है, गपशप है, तो आप क्यों नहीं उसको फेवर करेंगे। आप अपनी अपेरेंस की इंडिपेंडेंस, और आपके पास इससे कोई जवाब नहीं है, एंड यू विल बी हेल्ड रिस्पॉन्सिबल। तो एक ऑडिटर को जितना इंडिपेंडेंस होना चाहिए उतना ख्याल उसको अपनी अपेरेंस का भी रखना है। अब मैं आपको बताता हूँ कि इसकी एक्सट्रीम फॉर्म क्या है, ये जो अपेरेंस वाली इंडिपेंडेंस है इसकी सबसे ज्यादा ख्याल कौन रखता है, गौर कीजिएगा, जजेस, जज जो कोर्ट के जज होते हैं आपको कभी नजर नहीं आएंगे बहुत ज्यादा पब्लिक फोरम पे कुछ बातें करते हुए, दावतों पे जाते हुए, शादियों पे जाते हुए, क्यों, उनकी अपेरेंस। मसलन मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, एक कोर्ट में केस लगा हुआ है, दो पार्टियां आपस में सू कर रही हैं, आर्गुमेंट चल रहे हैं, वो कोर्ट की हियरिंग खत्म हुई तो एक पार्टी ने जज साहब को कहा तो सर ये मुकदमा तो चलता रहेगा, ये मेरे बेटे का रात को वलीमा है तो प्लीज ये दावत कबूल करें, शाम को वलीमे में जरूर आइएगा, कोई हर्ज नहीं है। आपके ख्याल में वो जज उस एक पार्टी के बेटे के रात को दावत में वलीमे में उसको जाना चाहिए? फैसला तो वो कानून के मुताबिक करेगा जो कुछ, ठीक है ना, नहीं जा क्यों, दूसरी पार्टी ने अगले दिन इल्जाम लगा देना है, लो जनाब ये तो जज बिका हुआ है, मिला हुआ है, ये तो उसके बेटे के दावत में शिरकत कर रहा था, तो ये तो कोर्ट, ये जो जज है तो एलिजिबल ने इसको रिप्लेस किया, एंड यस ही माइट बी राइट, ही इज राइट एक्चुअली, चाहे वो करे, उसकी अपेयरेंस खराब हो गई, तो जजेस को अपनी अपेयरेंस, ऑडिटर को भी अपनी अपेयरेंस का, हमें अननेसेसरीली अपने क्लाइंट्स के साथ बहुत ज्यादा एक हद से ज्यादा नहीं मिलना जुलना, वेकेशंस पे नहीं जाना फैमिलीज के साथ, उनके फंक्शंस अननेसेसरीली जो हैं जो 1-to-1 स्पेशली नहीं अटेंड करने, क्योंकि याद रखना है शेयर होल्डर हर जगह मौजूद है, शेयर होल्डर हर जगह आपको देख रहे हैं, आपको पता लगे ना लगे बट आपको कोई ना कोई देख रहा है। तो हमने अपनी अपेरेंस का भी बहुत ज्यादा ख्याल रखना है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। सो हमें ऑडिटर मस्ट बी एन इंडिपेंडेंट पर्सन एंड मस्ट ऑल्सो बी सीन एज एन इंडिपेंडेंट पर्सन, ये इसमें मैसेज है। ये क्यों जरूरी है, ताकि मैं अपनी इंटेग्रिटी और ऑब्जेक्टिविटी को कोर्ट में प्रूफ कर सकूं, जो कि अदरवाइज डायरेक्टली प्रूफ नहीं हो सकती, वो इंडिपेंडेंस के थ्रू प्रूफ हो सकती है। अच्छा, अब अगला आपका सवाल या नेचुरल जो क्वेश्चन बनता है वो ये कि सर ये अब इंडिपेंडेंस कैसे प्रूफ की जाए, मैं कोर्ट में जो ऑडिटर है वो कैसे प्रूफ करेगा कि जी आई एम एन इंडिपेंडेंट पर्सन। तो अब अगला सवाल है कि कोर्ट में मैं इंडिपेंडेंस अपनी कैसे प्रूफ करूंगा। अब याद रखते हैं, इस डायग्राम को बनाते हैं, क्योंकि यहां से फिर आगे फिर हम अपने सिनेरियो को लेके चलेंगे। याद रखना है कि एक ऑडिटर या एक चार्टर्ड अकाउंटेंट की इंडिपेंडेंस को हर वक्त कुछ ना कुछ थ्रेट्स होते हैं, हर वक्त कुछ ना कुछ थ्रेट्स होते हैं, थ्रेट्स होते हैं, थ्रेट्स के हैं, पहले वो लिस्ट करते हैं, ये फाइव फाइव ही फंडामेंटल प्रिंसिपल्स हैं और फाइव ही थ्रेट्स टू इंडिपेंडेंस हैं। उसका मैं ये निमोनिक लेकर लिखा, वो निमोनिक है सलीम साफी, मैं खाली एक ये जियो का शायद एंकर भी सलीम साफी, तो ये SSAF है सलीम साफी, यहाँ पे हमारा निमोनिक नंबर है। ये फाइव थ्रेट्स टू इंडिपेंडेंस ये क्या होते हैं अभी बात करते हैं, इससे बनता क्या पहले ये देख लेते हैं। आपकी बुक में पैराग्राफ 2
थ्रेट्स एंड सेफगार्ड्स, थ्रेट्स की बात हो रही है और ये हम पैराग्राफ पढ़ रहे हैं, थ्रेट्स टू कंप्लायंस विद फंडामेंटल फॉल इनटू वन और मोर ऑफ द फॉलोइंग कैटेगरीज। तो सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट, सेल्फ रिव्यू थ्रेट होता क्या, अभी हम बाद में बात करें, अभी हम बाद में करें। सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट, सेल्फ रिव्यू थ्रेट, ए से एडवोकेसी थ्रेट, एफ से फेमिलियरिटी थ्रेट, आई से इंटीमिडेशन थ्रेट। अच्छा जी, वापस आते हैं। अब गेम ये बन रही है कि एक ऑडिटर की इंडिपेंडेंस को ये पांच थ्रेट्स हर जगह हर दफा मौजूद है, हर टाइम पे मौजूद होते हैं। सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट, सेल्फ रिव्यू थ्रेट, एडवोकेसी थ्रेट, फेमिलियरिटी थ्रेट, इंटिमिडेशन थ्रेट। अब कोर्ट में मैंने क्या प्रूफ करना है, अब मैंने कोर्ट में ये प्रूफ करना है कि मेरी इंडिपेंडेंस को कोई थ्रेट ही नहीं था यहाँ, ना मेरा कोई सेल्फ इंटरेस्ट है, ना कोई सेल्फ रिव्यू थ्रेट है मेरे ऊपर, ना कोई एडवोकेसी है, ना फेमिलियरिटी, ना इंटिमिडेशन कोई है तो मुझे बताएं। तो अगर मैं कोर्ट में ये प्रूफ करने में कामयाब हो गया कि मेरी इंडिपेंडेंस को कोई थ्रेट ही नहीं है, तो मेरी इंडिपेंडेंस प्रूफ हो जाएगी। और जब मेरी इंडिपेंडेंस प्रूफ हो जाएगी, मेरी इंटेग्रिटी और ऑब्जेक्टिविटी टेक हो जाएगी, कोर्ट कहेगी आपको बाइज्जत बरी किया जाता है, माई प्राइड माई इमेज विल बी रिस्टोर्ड। और अगर कोर्ट में ये साबित हो जाए कि हाँ मेरे ऊपर सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट था, या मेरे ऊपर कोई सेल्फ रिव्यू थ्रेट था, मेरे ऊपर कोई एडवोकेसी थ्रेट था, मेरे ऊपर कोई फेमिलियरिटी थ्रेट था, या मेरे ऊपर कोई इंटिमिडेशन थ्रेट था, तो मुझे कोर्ट में अप्रूव करना पड़ेगा क्या, मुझे ये कोर्ट में प्रूव करना पड़ेगा कि यस देयर वर सम थ्रेट्स, लेकिन मैंने इन थ्रेट्स को मैनेज किया है या एड्रेस किया है इन सेफगार्ड इन थ्रेट्स को, इसको मैं ये कह देता हूं अप्लाई सेफगार्ड। ये मैंने एक वॉल बनाई है, एक लिस्ट है, वो भी देखेंगे। अगर कोर्ट में मतलब मेरे ऊपर इल्जाम लगता है कि सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट है, अब मुझे ये प्रूफ करना है कि हाँ था थ्रेट, लेकिन ये देखें मैंने इस थ्रेट को मैनेज करने के लिए ये सेफ गार्ड अप्लाई किया, सेफ गार्ड अभी देखते हैं, सेफ गार्ड अप्लाई। सो सिचुएशन ये बनी, मेरी इंडिपेंडेंस को थ्रेट आ गया, थ्रेट के लिए मैंने सेफगार्ड लगा लिया। अगर मैंने थ्रेट को आइडेंटिफाई करके सेफगार्ड लगा लिया, इसका मतलब है थ्रेट खत्म हो गई, मैनेज हो गई, एड्रेस हो गई, थ्रेट मैनेज हो गई, एड्रेस हो गई, मैं इंडिपेंडेंट हो गया, मैं इंडिपेंडेंट हो गया तो मैंने इंटेग्रिटी और ऑब्जेक्टिविटी से काम किया। हाँ अगर मेरे ऊपर कोई थ्रेट थी एंड आई फेल टू आइडेंटिफाई दैट थ्रेट, जब मैंने थ्रेट ही आइडेंटिफाई नहीं की तो मैंने कोई सेफगार्ड भी नहीं लगाया होगा, सेफगार्ड भी नहीं लगाया तो मेरे ऊपर थ्रेट थी, थ्रेट थी तो इसका मतलब है मैं इंडिपेंडेंट नहीं हूं, मैं इंडिपेंडेंट नहीं हूं तो मैंने इंटेग्रिटी और ऑब्जेक्टिविटी से काम नहीं किया। दिस इज द कंप्लीट होल पिक्चर ऑफ दिस सिचुएशन। इंडिपेंडेंस की जरूरत क्यों है, व्हाट आर दी थ्रेट्स टू इंडिपेंडेंस एंड हाउ दीज थ्रेट्स कैन बी मैनेज थ्रू सेफगार्ड। कुछ थोड़ी सी पिक्चर बनी है कि हम किधर से चले हैं, क्या प्रूफ करना है और इंटेग्रिटी और ऑब्जेक्टिविटी को प्रूफ करने के लिए हमें क्या क्या काम करने हैं, मतलब पूरी एक ग्रैंड पिक्चर आपके सामने। असल में प्रूफ करना है इंटेग्रिटी और ऑब्जेक्टिविटी, उसको प्रूफ करने के लिए मुझे साबित करना है मैं इंडिपेंडेंट पर्सन हूँ। इंडिपेंडेंट पर्सन को प्रूफ करने के लिए या तो मैं साबित करूँ मुझ पर कोई थ्रेट थी ही नहीं, या अगर कोई थ्रेट थी तो उसके लिए मैंने सेफगार्ड लगा लिए थे तो मेरी बचत होगी। तो अगेन अगर मैंने इंडिपेंडेंस प्रूफ करने के लिए ये प्रूफ करूंगा मेरे ऊपर कोई थ्रेट थी ही नहीं, या अगर थ्रेट थी तो मैंने उस थ्रेट को आइडेंटिफाई करके उसके लिए सेफगार्ड लगा लिए थे, लिहाजा मैं इंडिपेंडेंट पर्सन हूं, और अगर मैं इंडिपेंडेंट पर्सन हूं तो फिर मैंने इंटेग्रिटी और ऑब्जेक्टिविटी के साथ काम अपना कंप्लीट कर दिया।
ये है जनाब हमारा ऑब्जेक्टिव यहाँ। ठीक है जी, अब हम जरा यहाँ से थोड़ा आगे चलते हैं। अब हमें इन ये जो एक-एक थ्रेड को हम समझेंगे, इसकी एक्सप्लेनेशन लेंगे, इसकी एग्जांपल लेंगे, और साथ ही जिस तरह सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन हमने कंपनीज एक्ट में किए थे यहाँ भी देंगे। और मैंने आपको बताया कोई आज तक सितंबर 14 से लेके आज तक कोई ऐसी अटेम्प्ट नहीं गुजरी जहाँ पे जो अब हम सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन करने लगे हैं इसके ऊपर टेस्टिंग ना हुई। हर अटेम्प्ट में एथिक्स के ऊपर सिनेरियो जरूर आता है। अच्छा, अब अच्छा अब ये थ्रेट्स जो हैं और इनकी एग्जाम्पल जो हैं ये हमारे पास लिखी भी कहाँ मिल रही हैं। अनफॉर्चुनेटली ये बुक से हट के हमारा ना एक क्वेश्चन है, ये जो इस एग्जाम सप्लीमेंट के चैप्टर नंबर 13 के एंड के ऊपर क्वेश्चन है, इसमें क्वेश्चन नंबर 3A। रिक्वायरमेंट है ब्रीफली डिस्क्राइब द कैटेगरीज ऑफ थ्रेट्स दैट मे पोटेंशियली अफेक्ट कंप्लायंस विद द फंडामेंटल प्रिंसिपल, गिव टू एग्जांपल्स फॉर ईच कैटेगरी। इस क्वेश्चन का जो आंसर है बेसिकली उसको हमने एज पार्ट ऑफ आर स्टडी टेक्स्ट समझना है, जो मैंने नेक्स्ट पेज पे यहाँ पे दिया है। यहां से हम स्टार्ट करेंगे। ये थ्रेट्स, पहला थ्रेट सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट, आगे हम जाएंगे सेल्फ रिव्यू थ्रेड, यहीं से हम इसकी एक्सप्लेनेशन और एग्जाम्पल पढ़ेंगे, फिर एडवोकेसी थ्रेड, फेमिलियरिटी थ्रेड और इंटिमिडेशन। तो आइए पहले पढ़ते हैं कि सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेड क्या होती है। सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेड क्या है? This may occur as a result of the financial or other interest of a chartered accountant. Or of an immediate or close family member. अभी हमें इसको भी क्लियर करना पड़ेगा, इमीडिएट फैमिली मेंबर क्या होते हैं और क्लोज फैमिली मेंबर क्या होते हैं, और फाइनेंशियल और अदर इंटरेस्ट। इसकी एक एग्जाम्पल ले लेते हैं सर, फिर हम आराम से इसको डिटेल में समझते हैं। पहली एग्जाम्पल यहां लिखी भी है, ए फाइनेंशियल इंटरेस्ट इन अ क्लाइंट और जॉइंटली होल्डिंग ऑफ एंड, तो ध्यान में रखना है फाइनेंशियल इंटरेस्ट। अच्छा, फाइनेंशियल इंटरेस्ट की मैं इधर एक एग्जाम्पल यहां मेंशन कर देता हूँ। फाइनेंशियल इंटरेस्ट से क्या मुराद है? फाइनेंशियल इंटरेस्ट से मुराद है शेयर्स। एक और एग्जाम्पल ले लें, ओवर ड्यू फी, बीच में ओवर ड्यू फी शेयर्स या ओवर ड्यू फी। अच्छा, थोड़ा सा एलैबोरेट करते हैं। तो मगरिब की अजान हो जाए फिर कंटिन्यू करते हैं, यहीं से कंटिन्यू करते हैं फिर क्लोज करेंगे, मगरिब की अजान की ब्रेक कर लेते हैं।
अच्छा जी, वेलकम बैक। तो जी, ये कोड ऑफ एथिक्स 2019 है, इसीलिए एग्जाम सप्लीमेंट आया था ये कोड ऑफ एथिक्स 2019 की वजह से। रिवाइज हैं, अपडेटेड हैं, और लास्ट अटेम्प्ट से ही यही वाला कंटिन्यू हो रहा है। अच्छा, थोड़ी सी एक स्कीम बना लेते हैं आज के लिए, फिर यहीं पे हम थोड़ा क्लोज करेंगे। जो सिनेरियो पार्ट है वो नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह हमने डायरेक्ट सिनेरियो पे ही जाना है। समझ लेते हैं, यहाँ पे सेल्फ इंटरेस्ट का मतलब है जाती मफाद। आपको याद होगा मैंने कहा था हमारा हमारे क्लाइंट में सिर्फ एक इंटरेस्ट होना चाहिए, प्रोफेशनल इंटरेस्ट। तो प्रोफेशनल इंटरेस्ट के अलावा जब भी ऑडिटर का कोई जाती मफाद सेल्फ इंटरेस्ट आ जाएगा तो हमेशा कॉन्फ्लिक्ट होगा। तो सेल्फ इंटरेस्ट की पहली एग्जांपल है फाइनेंशियल इंटरेस्ट। एक और चीज बड़ा क्लियर कर दूं, याद रखना है कंपनीज एक्ट के अंदर आपको जो क्वेश्चन आता था क्वालिफिकेशन या डिस्क्वालिफिकेशन, उसके अंदर हमेशा पार्टनर या फर्म की बात होती है। वहां ऑडिट मैनेजर, वहां पे सुपरवाइजर की बात नहीं होगी। मिस्टर आलम FCA पार्टनर और इस किस्म की बात होगी, उसके फर्म की बात होगी, पार्टनर की बात होगी। कोड ऑफ एथिक्स ऑल दो पार्टनर पे लगते हैं, बट यहाँ पे आपने अब ये सिनेरियो के लिए खासतौर पे रखना है, यहाँ पे कोड ऑफ एथिक्स पार्टनर के अलावा जो हमारी नीचे एंगेजमेंट टीम है जिसमें पार्टनर के बाद मैनेजर है, सुपरवाइजर है, सीनियर है, सेमी सीनियर, सेमी सीनियर है या जूनियर है, उनकी बात हो रही है, चाहे वो क्वालिफाइड हैं चाहे वो क्वालिफाइड नहीं है। ठीक है, सो कंपनीज एक्ट पार्टनर्स के ऊपर लगता है, कोड ऑफ एथिक्स हम सिनेरियो करेंगे यहाँ पे आप क्वेश्चंस के अंदर देखेंगे, हम मैनेजर, ऑडिट टीम, सुपरवाइजर, उनकी बात कर रहे होंगे अदर देन पार्टनर। पार्टनर के लिए क्वालिफिकेशन डिस्क्वालिफिकेशन गवर्न हुई कंपनी एक्ट से, बाकी लोगों के लिए यहाँ पे। तो यहाँ जो हम बात कर रहे हैं ना चार्टर्ड अकाउंटेंट, ये पार्टनर्स के अलावा वाले लोग, तो आप सिनेरियो में देखेंगे यहाँ मैनेजर और इस किस्म की बातें हो रही होंगी। नंबर वन, तो आप मुझे बताएं, एक हमारी फर्म का ऑडिट मैनेजर है, उसने क्लाइंट में शेयर्स रखे हुए जिसके हम ऑडिट पे भेज रहे हैं, तो उसका ध्यान तो अपने शेयर्स की वैल्यू पे होगा। वो ऑडिट करते हुए सोचेगा यार इस कंपनी के शेयर की वैल्यू ऊपर जानी चाहिए, तो ये तो प्रॉफिट बड़ा कम आ रहा है, तो वो कहे कोशिश करेगा प्रोविजन कम से कम डालें, प्रॉफिट ओवर स्टेट हो, तो उसका जाती मफाद आ गया ना, तो वो फिर इंडिपेंडेंटली ऑडिट नहीं कर सकेगा। अच्छा, यहाँ मेरा आपसे सवाल है, ऐसी सिचुएशन में हम क्या करें जब हम टीम बना रहे हैं, हमें पता चले कि इस मैनेजर के इस ऑडिट क्लाइंट में शेयर्स हैं, तो फिर हम क्या करें उस ऑडिट मैनेजर को जिसका फाइनेंशियल इंटरेस्ट है, सेल्फ इंटरेस्ट है, उसको इंक्लूड ही ना करें, या अगर उसको इंक्लूड करना है तो उसको एक चॉइस दे दें। तो मामा उसको एक चॉइस दे देते हैं, नहीं उसको चॉइस दे देते हैं, क्या चॉइस दे देते हैं कि अगर तुमने इस ऑडिट पे जाना है तो क्या करो, अगर इस ऑडिट पे आपने जाना है तो फिर क्या करें, हाँ फिर शेयर्स को डिस्पोज कर दो। तो अगर ऑडिट करना है तो शेयर्स बेच दें, अगर शेयर नहीं बेच सकते तो फिर हम आपकी जगह किसी और को भेज देंगे। ये जो रिव्यू वाला ये इसकी बाद में बात करेंगे, फिलहाल ये उसको चॉइस दें, ऑडिट करना है तो शेयर बेच दो, शेयर नहीं बेच सकते तो हम उसकी जगह किसी और को बेच देंगे। ये बेसिकली हम क्या करें, सेफ गार्ड। तो हमने थ्रेट आइडेंटिफाई की कि हमारे मैनेजर के तो यहाँ शेयर हैं, सेफ गार्ड क्या लगाया, या तो उसके शेयर बेच दिए या हमने उसकी जगह किसी और बंदे को भेज दिया, तो हमारी ऑडिटिंग इंडिपेंडेंट हो गई और हमने इंटेग्रिटी ऑब्जेक्टिविटी से हमने ऑडिट कर लिया। तो ये इसके अंदर सिनेरियो है पहली एग्जांपल के, हम थ्रेट आइडेंटिफाई किया ये फाइनेंशियल इंटरेस्ट है, और फाइनेंशियल इंटरेस्ट एक एग्जांपल है सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट की, और हमने उसमें देखा कि यहाँ पे शेयर्स हैं या ओवरड्यू फी है। बस चलें बाकी बातें फिर हम इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास के अंदर, अब सिनेरियो के ऊपर हमारी अप्रोच बन गई है, हमारी डायग्राम कंप्लीट हो गई है, अब हमने एक एक सिनेरियो को पकड़ के, एक एक थ्रेट जो है हमारी इंडिपेंडेंस उसको पकड़ के सिनेरियोज की एग्जाम्पल हमने करनी है। तो नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह हम यहीं से कंटिन्यू करेंगे। डोंट फॉरगेट कि कल आपका जनाब ये टेस्ट भी है, चैप्टर वन का सबने ज़रूर देना है, 33 मार्क्स, 1 आवर का टेस्ट है और 24 आवर की विंडो है, आप सबने इसको सबमिट कराना है। पढ़ रहे हैं, समझ आ रही है कि नहीं आ रही, दीज टेस्ट विल टेल कि हमें कितनी समझ आ रही है और कितना इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। थैंक यू वेरी मच जी। आप 12 नून तक, 12 बजे तक इंशाल्लाह अपलोड हो जाएगा, ग्रुप के अंदर आपको मैसेज आ जाएगा कि टेस्ट कैसे दिन अपलोड है। ठीक है, बाय 12 इंशाल्लाह। थैंक यू वेरी मच जी, टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ, फिर इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में जी। अल्लाह हाफिज़, बाय।